राम राम मोदी जी। मोदी जी मैं हरियाणा से हूँ। मारे हरियाणा में हाय हेलो नमस्ते से पहले बच्चा ने राम राम करना सिखाया जाता है। दादा राम राम, दादी राम राम, ताऊ राम राम, ताई राम राम, हमारी नमस्ते तो राम राम ही है। हरियाणा में राम राम, किसी और स्टेट में जय सियाराम, कहीं जय राम जी की, मतलब अपने देश के हर एक स्टेट के संस्कार में संबोधन में राम मिलेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये सब आपने क्यों बताने लग रहा। बात ऐसे है मोदी जी, आजकल आपके बहुत सारे समर्थक पूरे देश में बोलते घूम रहे हैं कि इस देश में राम को तो आप लेकर आए। वे नारा लगाते घूम रहे हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बताइए मोदी जी, क्या उनका ये कहना सही है? आप उनको बताओ कि भगवान राम आपको इस दुनिया में लेके आए, आपकी हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम राम ने कहीं ले आवे। मोदी जी मेरी आपसे एक छोटी सी अपील है कि ये जो आपने पूरे देश में राम के फर्जी भगत छोड़ रखे, आप उनको समझाओ कि राम भक्ति उन लोगों के लिए नई चीज है, जनता के लिए नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ तो शुरू से हर काम में राम का नाम लिया जावे। कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो हम बोलते हैं ले भाई राम का नाम। वो काम अच्छा हो जाए तो बोलते हैं राम ने चोखी सुन ली भाई, राम ने बड़ी मेहर राखी। काम बिगड़ जाए तो बोलते हैं कोई बात नहीं, जैसी राम की मर्जी। बारिश हो तो कहते हैं राम बरस गया भाई, बारिश ना हो तो राम ने सूखा घेर दिया। कुछ गलत हो जाए तो हम उलाहना भी राम को देते हैं, कुछ अच्छा हो तो धन्यवाद भी राम को देते हैं। हमारे यहाँ तो हर दूसरे नाम में राम का नाम मिलेगा। राम सिंह, राम प्रसाद, राम जी लाल, गंगा राम, सीता राम, रामधारी, हरी राम, लीला राम, बाणा राम, शीश राम, नंद राम, राम स्वरूप, रामधन, राम प्यारी, राम दुलारी, राम बतेरी, राम रति। हमारे यहाँ तो गांव को भी गांव राम बोलते हैं। हमारे यहाँ बच्चा पैदा हो तो कहते हैं राम ने मौज कर दी भाई, और अगर कोई मर जाए तो राम नाम सत्य है। बरसों बरस तक हर घर में दिवाली मनती है, हर मोहल्ले में रामलीला भी होती है। और क्या बताऊं मोदी साहब, इस देश में ज्यादातर घर में पहली बार टेलीविजन भी तब आया था जब टीवी पर पहली बार रामायण दिखाई गई थी। ये सब मोदी जी आपके प्रधानमंत्री बनने से पहले इस देश में होया था। आज तक भी इस देश में राम के वही भजन, वही गीत गाए जाते हैं जो आपके आने से पहले बने थे। आपके आशीर्वाद से तो सिर्फ आदि पुरुष जैसी घटिया फिल्म बनी थी, नहीं तो OTT का कचरा बनने लग रहा जिसने घर परिवार के साथ तो देखा तक नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री जी, सदियों तक इस देश पर दूसरे धर्म के लोगों ने राज करा, फिर भी हमारा धर्म जिंदा रहा। हमारे संस्कारों में राम जिंदा रहे, क्योंकि इस देश में धर्म कभी राजनीति या राजा से नहीं जुड़ा, वो हमेशा लोगों के जीवन का हिस्सा रहा। हमारा धर्म अगर राजनीति किसे राजा, किसे पार्टी या किसी प्रधानमंत्री का मोहताज होता तो वो उस राजा, पार्टी या प्रधानमंत्री के साथ ही कम का खत्म हो गया होता। इसलिए हमारी तो आपसे यही अपील है कि धर्म को राजनीति या प्रधानमंत्री से मत जोड़ो। ऐसा करके आप राम और धर्म दोनों का सबसे बड़ा नुकसान करने लग रहे हो। पिछली बार शहीदों के नाम पर वोट मांगी, इस बार राम के नाम पर वोट मांगोगे? 10 साल हो गए मोदी जी,
काम के नाम पर कद वोट मांगोगे?